एमडी मैम, प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल सर एंड मैम, एंड अबव ऑल विश्व गुरुज ऑफ विश्व, द टीचर्स, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू इनवाइट मी, एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू Cordova Publications, especially Mr. Nilambar Jha, Mr. Amit Chavla, and if I don't name Mr. Vaibhav Nagpal, am I right? Then I would have been doing injustice. It makes me very emotional when I read SD. Because I'm also the product of SDSE Senior Secondary School, Patiala. Shri Sanatan Dharam Sabha English Higher Secondary School. There was a time my school has given the great eminent personalities in India, including the first astronaut, Rakesh Sharma. So, dear teachers, ये जो अभी प्रोफाइल पढ़ा गया है, परहैप्स आई डोंट डिजर्व. बहुत टीचर ऐसे हैं जो बहुत बेटर हैं, बहुत बेटर हैं मुझसे भी, आपसे भी. किसी न किसी गली में किसी रामानुजम के रूप में वो अननोन हैं. रामानुजम, होप यू नो, द ग्रेट मैथमेटिशियन. ये चीज़ें लाइफ में होती हैं, बट इसका डेडिकेशन टू दोज टीचर्स को जाता है. आई डेडिकेट ऑल दीज यू नो ऑनर्स उन टीचर्स को जो सच में, जिनको रिकॉग्निशन किसी न किसी कारणवश नहीं मिलता. आई डेडिकेट माई ऑल achievements to you all and to all those teachers, and I am simply a teacher. So we are here all connected in the workshop. Normally when the workshop is there on the school, I mean circular, to ek feeling aati hai aaj fir workshop hai, oh ho, फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा. जनरली इट्स नॉट द केस विद यू, एंड जनरली इट हैपन्स, बट द थिंग इज दैट इट इज आर वर्कशॉप. आई यूज टू डू ऑर्गेनिक वर्कशॉप्स, आई नेवर यूज पीपीटीज, आई नेवर यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज सो मच नेचुरल इंटेलिजेंस इज देयर, अ गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैंड्स नो वेयर. सो ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर सेल्फ, यू ऑल आर द बेस्ट टीचर्स. इससे पहले हम काम शुरू करें, वर्किंग स्टार्ट करें, आर देयर सम टीचर्स हु टेक क्लासेस टू द जूनियर विंग लाइक एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, इज देयर? थर्ड मे आई इन्वाइट यू जस्ट for 2-3 minutes. Are the teachers present here? Yes ma'am, please walk first. Come to the dais. Please walk first. Yes please ma'am, please come. आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन मी. एक छोटा सा प्रेयर होता है मेरा. यस प्लीज, यू वेलकम. यस सर, सी आई एम गुड इन 3-4 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी. तो आई थिंक लेट इट बी बायलैंग्वेज, बढ़िया रहेगा ना. असली भाषा तो वही है जिसमें माँ बोलती है खाना बन गया, खाना खा ले, नहीं तो पिटाई होगी, है ना. सी प्लीज अब ज्वाइन मी, वी आर ऑल टीचर्स, यू नो.
एंड मैं भी टीचर ही हूँ मैम. आइए प्लीज. आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कहीं किसी भी सिटी में एंटर करते हैं तो वहाँ एक टॉपर्स की पिक लगी होती है. जैसे ये मेरा मोटिवेशनल स्पीकर का लगा है, थैंक यू फॉर दिस डिस्प्ले, तो ऐसी लगी होती है और उसमें CBSE टॉपर, IIT टॉपर, नीट टॉपर, उसका फोटोग्राफ होता है, साथ में कुछ डिग्निटरीज उसको ऑनर कर रहे होते हैं, है ना? एग्रीड? उस प्रॉस्पेक्टस में भी मिलता है हमें, स्कूल के ब्रोशर्स में भी मिलता है, और आज के ज़माने में जब हम उसकी पब्लिकेशन वो करते हैं पैम्फलेट्स में भी मिलता है ना? एग्रीड? आपको मालूम है वो होना भी चाहिए. उस बच्चे का ऑनर जस्टिफाइड है, होना भी चाहिए. लेकिन एक माँ और एक मदर टीचर एक बच्चे को 3 या 4 साल में लिखना बोलना सिखाती है, am I right? लेकिन सारी जिंदगी कहाँ क्या लिखना है क्या बोलना उसके लिए अभी तक हम नहीं सीख पाते. उन बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं, जिन टीचर्स ने एफर्ट्स लगाए हैं, वो डिजर्व करते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये ना होते तो वो वहां ना होते. मतलब यू ऑल मदर टीचर्स, आपका कोई भी किसी भी तरह से हम ऋण चुकता नहीं कर सकते. और मैं चाहूंगा, ये माँ नहीं है, ये टीचर नहीं है, किसी के लिए ये मम्मी है, किसी के लिए ये बुआ है, किसी के लिए ये मामी है, किसी के लिए ये चाची है. छोटे बच्चे जब नर्सरी LKG में होते थे, कहीं तो बड़े होकर पता क्या बोलते थे, मम्मी जब मैं बड़े हो जाऊंगा मैं शादी भी मैम से करवाऊंगा. और घर जाके ये मदर टीचर्स को, आप मदर टीचर्स जो हैं वो बिल्कुल वो बच्चों के थ्रू कैरी होते हैं और इनको हर घर की हर स्टोरी भी पता होती है. एम आई राइट मैम? स्टैंडिंग ओवेशन फॉर मदर टीचर्स. ये डिजर्व करते हैं. और मैं सोचता हूं कि इनको देखता हूं तो मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूं. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. बस यही एक छोटी सी प्रेयर थी मैम. तो होप, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू प्लीज. नाउ दे विल बी मिसिंग. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Now we are going to start our effective teaching mod. पहली बात तो है, it is very difficult to address teachers because आपको बताना उल्टे बांस बरेली को. आप खुद से ही बहुत intellectual हैं, बहुत सारी बातें जो मैं आपसे share करूँगा वो already आप कर ही रहे हैं. You already doing very good all. I am just a kind of a, sir, coordinate bond or a deity bond or a covalent bond or a whatever it is who is trying to connect you all here, right? But there is no resonance, right? So we can present the actual structure here. Dear teachers, we face challenges in teaching. Every teacher has its own recipe to tackle the challenge. Particularly, we are all science teachers, and the coming era, not the coming era, the present era is of technology. When we teach science, generally, right, physics or chemistry or mathematics, we come and copy, generally, I'm not talking about you, the generally, paste the book. In the morning when I was with ma'am, we were talking about one line, it is easy to write a book. Am I right?
It is easy to write a book, it is difficult to teach a book. और बच्चे बताए क्या बोलते हैं सर, इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टडी द बुक. फिर मैं बोला करता हूँ, एक बच्चा मुझे बोलता है सर इट इज वेरी इजी टू सेट अप ए क्वेश्चन पेपर. मैंने कहा यस सर इट इज अ चैलेंज टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर. मैंने कहा बेटा इट इज 10 times चैलेंजिंग टू इवेल्युएट द पेपर. जब हम आपके पेपर चेक करते हैं तो जैसे माता रानी के जागरण में माता नहीं आई होती, अगर कोई बच्चा बहुत पढ़ने में लायक है तो हमें एक अच्छी फीलिंग आती है. और जब कोई बच्चे का पेपर ऐसा होता है कि उसने लिखा कुछ है और हर टीचर की इंटेंशन होती है कि मैं किसी को फेल ना करूं या कहीं ना कहीं से कोई नंबर ढूंढ के दे दूं, तो फिर गुस्सा भी आता है. और मैंने बोला CBSE जो भी पे करती है पता नहीं, उससे 10 times तो हम बादाम और संतरे का जूस खा पी जाते हैं. सो डियर टीचर्स, मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग में अराउंड 30+. तो मेरी वर्कशॉप में कंटेंट कोई नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग इसको ऑर्गेनिकली डिज़ाइन करते हैं. तो सबसे पहले मैं मे नो द क्लास, आई मीन टाइप वाइज, लाइक वी हैव गॉट अप टू 8th standard टीचर्स हियर विद अस, 9th also 10th also 12th. हाँ जी, या तो होप यू आर ऑल फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग कनेक्टेड. I am part of you. अगर मेरा वर्कशॉप बहुत अच्छा जाता है, the credit goes to me. If it's not good, then credit goes to you. Right? So may invite teachers from up to 8th level with me here. Please participate all. Participate all. This is the live PPT we are going to generate. Oh wow, great. आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में मैं खड़ा ही था यहाँ, तो शशि सर कह रहे थे कि सर बैठ जाओ. मैंने कहा अच्छे टीचर की निशानी है वो बैठ नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा चौक के साथ बोर्ड पे ही रहता है. वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. होप यू फील ऑल कंफर्टेबल. ओके फाइन 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 फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू मैम टू ज्वाइन मी. यस मैम. Do we have another mic, sir, with the, yes, that one. Ye mil sakta hai. Thank you. Aap isko lijiye. So, first of all, you introduce yourself. My name is Antra Garg. No, it's okay. Yes. My name is Antra Garg and I teach classes up to 5, 6, 7, 3 classes, and I have an experience of more than 18 years to teach science as a subject. And that's it. Thank you, ma'am. Thank you. Big round of applause for ma'am. Thank you. Ma'am, like when you take classes up to 5th, 6th, 7th, 8th? Only 7th. 7th. So you come across science, you come across maths also? Generally science. Science. So my question is that how you make your subject, I mean, transmine to the students, like when you come in the class, what kind of your recipe is there? First of all, I ask them that have they observed it in their daily life. Like suppose the chapter is of parts of a flower. So I took flower, hibiscus, and I showed them all the parts, and they were very interesting to know, ma'am, us phool mein aisa hota hai. Is flower mein humne ye dekha. Is only yesterday one child asked ki ma'am white color ka flower tha. Yes. And it had shades of red. Ji. So how do they have come? Okay. So I told them that every flower has a pigment, yes, that is dominating, yes, and yes, so yes, the flowers are like so many colors. Chloroplast and red. Yeah. So partly it's a physics में हमारा color triangle भी आ जाता है, है ना? जो color दिखाई देता है वो क्या होता है? Reflect, बाकी absorb हो जाते हैं. Am I right? Okay.
मैं आपको बताता हूँ, मेरा बायो का नॉलेज बहुत पुअर है. आई नो ओनली हाउ टू स्केच अमीबा. ओके, मुझे एक बच्चे ने पूछा कि ऐसे ही सर फूल के बारे में क्या जानते हो. मैं कहा आई एम फूल इन दैट. कहता सर फिर भी बताओ, गोभी का फूल फूल होकर फूल नहीं है, गेंदे का फूल होकर फूल क्यों है. तो मेरे को तो इसका आंसर नहीं आया था, क्योंकि आई एम वेरी ऑनेस्ट इन दैट. जो मुझे आता है मैं बोल देता हूँ कि येस आई नो, जो नहीं आता आई डी के आई डोंट नो. ठीक है ना, गुरवानी कहती है हमने ही चंगे बुरा नहीं कोई, नो बडी इज़ परफेक्ट, वी आर ऑल स्टूडेंट्स. एक लाइन बोलेंगे मेरे साथ, अ गुड टीचर मोरिस. आई थिंक हमने तो ब्रेकफास्ट नहीं किया लेकिन आपने तो किया ना. अ गुड टीचर इज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट. एम आई राइट? जब हम पढ़ाते हैं ना तो हमारे अंदर एक विद्यार्थी छुपा होता है, जो मेरी सोच है अपनी. बेसिकली तो मैं अपने अंदर के उस विद्यार्थी को पढ़ाने की चेष्टा करता हूं. अगर वो सेटिस्फाई होता है और वो अंदर का जो मेरा विद्यार्थी बाहर बैठे हुए विद्यार्थी से मैच कर गया तो मैं अच्छा टीचर हूं, अदरवाइज बच्चे मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. हाँ या ना? Am I right? मैं रिसोर्स पर्सन हूं तो मेरे अंदर एक टीचर है, आप भी टीचर हो तो मैं अपने अंदर के टीचर से बात कर रहा हूं. अगर वो आपसे कनेक्ट हो गया परहैप्स आई एम डूइंग जस्टिस. एम आई कनेक्टिंग? थैंक यू एंड अप्लॉड फॉर मी देन. सो गर्ग मैम, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो कुछ भी ऐसा आप शेयर करना चाहेंगे जिससे आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, ये हमारे पीपीटी स्टार्ट होगी जी. Related to science. मैम ये इतना प्रोफाइल पढ़ दिया ना, इस प्रोफाइल पढ़ के अगर मैं वहाँ बैठा हूँ तो मेरे मन में पता क्या चलेगा, ये बड़ा स्मार्ट बन रहा है यार बंदा, इसके ऐसे ऐसे कैसे हो गया, पता तो करें इसको कुछ आता भी है कि नहीं. होता है ना, ये हम टीचर का एक प्लैनेट होता है बृहस्पति जुपिटर, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, वो सभी का बड़ा स्ट्रांग होता है. हम राजा हैं, राजा थे, राजा रहेंगे. मैं भी कभी कभी क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो आई फील दैट आई एम बेटर देन मोदी जी, लेकिन जब क्लास के बाहर पुलिस वाला मुझे बोलता है गाड़ी साइड पे लगा, जरा कागज चेक करा, पता लगता है यार भैया वो क्लास ही में चलता है या नहीं चलता. तो वी आर ऑल हैविंग अ ग्रेट विजन, हम सब में एक बहुत महान व्यक्तित्व तब छुपा हुआ है, तभी तो हम देश के निर्माता है ना, नेशन बिल्डर हैं. तो मैं क्या करना चाह पूछना चाह रहा हूँ कि आपके मन में कुछ ऐसा क्वेश्चन है यार जो आपने बोला होगा कि ये सर आएगा इससे पूछूंगी मैं. आइए ना इधर. सर आर वी इन द फ्रेम? यस. लेट मी थिंक. एवरीबडी शुड थिंक मोमेंट शी कम्स हियर, राइट? यू वी शुड बी इन फ्रेम सर. इफ यू वॉन्ट टू टेक टाइम देन लॉट ऑफ पीपल हैव माइट हैव थॉट आई विल इनवाइट अनदर वन. मे आई रिक्वेस्ट यू मैम टू कम हियर? थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू मैम. यस मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आपको. हाँ, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. मायसेल्फ अंजू चावला. आई एम टीचिंग क्लास 8, 9 and 10. वाह, ग्रेट 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 ग्रेट. सो मैम लाइक आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक आफ्टर द कोरोना पीरियड व्हेन द स्टूडेंट्स आर कमिंग दे आर नॉट लिसनिंग टू अस. आई मीन द वेरियस वेज वी आर trying, like counseling we are giving, some of the students are so much disturbing, they are not listening to us. Through the various ways I tried a lot to correct them, to make them study, but the thing, their approach is like during exam time only we have to mug up and get the marks for the passing the subject. I mean they are hunger for the knowledge, that hunger for the studies, for getting the good marks, that is dying. I mean I'm not witness, just if I'm going to compare the position of today and the position of 3 years back, there is a lot of difference. At the time, I mean we were noticing many of the students, I mean if it is a 90% of the students are doing well, they are very much eager to learn something new, but now only 10% have the hunger. Yes. I mean, this is very amazing thing is happening. Maybe that is, they are so much stick to the online platform, they are so much interested for the mobile and all that.
real classrooms don't fascinate them. And this is the limitation I am facing. Okay. You wish me to answer this? Yeah. Welcome. First of all, a big round of applause for Sharda ma'am. No, Anju Chhabra. Anju Chhabra. Anju sir. Okay. तुसी पंजाबी लगते हो? Yeah. Okay, please join me. Actually, I'm from Odisha. नहीं hardly matter, hardly matters. Punjabi. Punjabis and Alus are available everywhere. Yes, sir. True. Please stay with me. Stay with me. Look, this question is wonderful. Really, very amazing. I'll ask one question. You, some people are very senior, some people are junior, but all are very intellectual. Am I able to connect you a little bit? मरा मरा सा बोल रहे हो आप लोग? Yes, sir. मैं रुड़की ही पढ़ा हूँ, पास ही में है, ज़्यादा मुझे मालूम है इधर का. तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इफ आई एम एबल टू कनेक्ट यू समथिंग इज देयर. मैं एक पहला टीचर हूँ इंडिया का जो बोलता हूँ बेटा मोबाइल यूज करो. क्यों? मैं पहला टीचर हूँ इंडिया का वो बोलता है कि बेटा तुम ये व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ये भी यूज करो. I am not against that. I want to condition a child. Exactly, sir. मैं बच्चे को कहता हूं कि तेरे को जैसे इस रूम में AQI सेम है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, am I right? है ना मैम? सेम है ना? अजय है ना आप बड़े, मुझे अच्छा लगा आप बड़े सीनियर हैं आप मेरे को. तो यहां AQI सेम है ना मैम? क्या हम लोग सेम ऑक्सीजन ले रहे हैं? सेम एयर क्वालिटी इंडेक्स है. सपोज करो, लेट अस अज्यूम वी आर ऑल साइंस पीपल, लेट अस अज्यूम दैट एयर इनटेक इज सेम. सभी लोग एक जैसी, बाबा रामदेव की कसम, सेम जैसी ऑक्सीजन ले रहे हैं. अब मुझे बताओ क्या हम सेम ऑक्सीजन ले रहे हैं? नो. व्हाई? आइए ये मैम, इधर आइए प्लीज, इधर आइए, इधर आइए. बिकॉज एवरीबॉडीज हीमोग्लोबिन कंटेंट इज डिफरेंट एंड इट डिपेंड्स. नहीं ये माइक चलने वाला माइक. हाँ जी मैम, जरा सुना नहीं बाल लोगों ने. एवरीबॉडीज हीमोग्लोबिन कंटेंट इज डिफरेंट एंड बेस्ड ऑन दैट हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑक्सीजन विल बी टेकन बाय द बॉडी. वंडरफुल आंसर, वंडरफुल आंसर. ये मुझे एसडी स्कूल से ही मिल सकता है. सो इसको थोड़ा हम रिलेट करें दैट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोपोर्शनल टू द हीमोग्लोबिन इन अस, एम आई राइट? Now intake of the oxygen is equal to k times the hemoglobin in us. K is called constant of proportionality. We some people say why do we introduce, to remove the proportionality sign. We'll discuss it later. Why do we introduce? That will be a question. Why do we introduce a constant of proportionality? Am I right? If there are virus, who will fight? Antibodies? ज्यादा knowledge नहीं मेरे को, थोड़ी बहुत जो ज्ञान इधर उधर से इकट्ठा किया हुआ है ना, वो hemoglobin के साथ related है. अगर खून इतने gram कम है तो बंदा बोलेगा यार पहले इसका खून की बोतल तो चढ़ा दो, थोड़ा खून आएगा तभी ये अभी इसका operation नहीं कर सकते, सो ब्लड ही बड़ा कम है. Am I right? थोड़ा बहुत idea है. तो जब हमारे अंदर virus को लड़ने की ताकत होगी, मेरा कहने का मतलब ये है, तो हम फिट रहेंगे. बहुत से लोगों को हमेशा ही कोविड रहता है, कई लोगों को कोविड में कोविड भी नहीं हुआ है ना. लॉजिक इज दिस मैम, हमें बच्चे को कंडीशन करना है कि ये हर चीज़ें तेरे को मिलेंगी. जितना हम बच्चे को मना करेंगे उतना वो चोरी छपे दिखेगा. जब हम बहुत छोटे होते थे, मूवी देख के आना तो एक क्राइम माना जाता था. उसके बाद टेलीविज़न आ गया तो फिर उसमें दूरदर्शन पर कृषि दर्शन भी देखते थे. आज किसानों को सिखाएंगे हम फसल बीजने, हम भी उसको भी देखते रहते थे. उसके बाद फिर VCR आया तो उसने कल्चर बिगाड़ा एंड सो ऑन सो ऑन. तो कहीं ना कहीं गलती हमारी है कि हम अपने बच्चों को ना टाइम दे पा रहे हैं ना कंडीशनिंग दे पा रहे हैं. हम लोग लॉज ऑफ मोशन में, ओम्स लॉ में ही बिजी हैं. तो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स की इवेंचुअली, फॉर्चुनेटली वी आर ऑल पेरेंट्स ऑल्सो, तो ये टीचर कम पेरेंट सेशन भी हो सकता है फर्स्ट हाफ, है ना. तो हमारे भी बच्चे हैं, तो हमें बच्चों को समझाना होगा, समझना होगा. आप जितना मर्जी बोल दो. एक हॉस्टल में मैं गया, वहाँ हर सैटरडे को रेड पड़ती थी और मोबाइल्स निकाल लेते थे. और हर मंडे को जब रेड पड़नी तो बर्सर साहब बोलते, विपिन सर
मोबाइल पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं. मैंने कहा सर वीकेंड पे मदर्स आती हैं, वो चुपके से एक मोबाइल पकड़ा जाती है, चुपचाप रख ले, किसी को मत बताना, मेरे से बात करता रहा कर. एम आई राइट? हम भी करते हैं ऐसा. मैं बोलूँ मैं मोबाइल नहीं यूज़ करता, अगर कोई भी चेकिंग नहीं कर रहा तो मैं भी बात करता हूँ. तो कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे बात नहीं करनी, मुझे बच्चों को समझाना है. तो मैम ये जो कोविड में हुआ ये खाली हमारे साथ नहीं हुआ, पूरे वर्ल्ड में हुआ है. हमें अपने बच्चों को कंडीशन करना है कि बेटा देख, मैं बहुत छोटा होता था, मेरी माँ बोल देती तू नहीं पढ़ेगा ना तो तेरे को मैं होटल के बाहर लगा दूंगी, होटल में बर्तन साफ करेगा. तो जब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था मैं वहाँ जाके खड़ा हो जाता था, थोड़ी देर बाद अपने आप को देखता था कि ये मैं बर्तन धो रहा हूँ. तो वहाँ से एक फील आती थी नहीं यार मैंने तो पढ़ना है, ठीक है ना. सो मैम हमें कंडीशन करना होगा. अब उसको हम किस तरह से इफेक्टिव करते हैं, आप नाइन्थ को पढ़ाते हैं. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ किस तरह से हम पढ़ाते हैं. सर क्या ये बोर्ड को हम यहाँ ला सकते हैं? अगर ला सकते हैं तो, अगर मुश्किल है फिर नहीं, भारी है. कष्ट दे रहा हूँ आपको. मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. ये एक कंटेंट है, दिस इज अ पीपीटी, दिस इज अ पीपीटी विद अस, दिस इज अ लाइव पीपीटी विद अस, ठीक है. आई वॉज टॉट बाय माई फिजिक्स टीचर मोनिका मैम. ये बड़ा अक्सर कॉमन नाम मिलता है मोनिका मैम, राइट. पीछे मत गिर जाना मैम, देखना पीछे. तो वो मेरे को बोलते एवरी मटीरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर. बस ठीक है सर, रहने दो, इसकी मर्जी चलेगा, ऐसे ही चल जाएगा, रहने दो इसको, रहने दो, मुझे मार्कर दे दो कि एवरी इज विजिबल टू ऑल, एवरी मटीरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर. सागर हैज कम विद अ गन बट बुलेट्स आर इन द बंकर. तो लॉजिक है, एवरी मटीरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance. ये मेरी मैम ने मुझे सिखाया. मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा शरारती स्टूडेंट था, सबसे ज़्यादा पिटाई मेरी होती थी, लेकिन पढ़ाई के पीछे नहीं. क्यों? प्रिंसिपल हमेशा ले जाती थी, बोलती थी कि ये बड़े ऊटपटांग क्वेश्चन पूछता है सर, मैं बड़ी परेशान हूँ इससे. तो मुझसे बचने के लिए एक ही तरीका था कि मेरे बाल बड़े लंबे होते थे उस वक्त भी, तो बोलते थे गेट आउट. तो मैं बाहर बैठा रहता था. मेरे को मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे दिमाग में जो कंटेंट लिखा हुआ है, मैं बोलता था जिसने ये बुक लिखी हुई है उसको क्या पता, मेरे को तो पता ही नहीं ये क्या लिख दिया. सभी किताबों में एक जैसा, एवरी मटीरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर. अब टीचर ने भी आके वही बोल दिया, एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर. मैं लिखता नहीं था. तो मैम बोलती व्हाई डोंट यू राइट. मैं क्या, सभी किताबों में आप किताब से तो बोल रहे हो. कई टीचर तो पोडियम में छुपा लेते थे ऐसे, उनको इतना भी नहीं पता था, ऐसे निकला एवरी मटेरियल बॉडी, ऊपर मत देखो हड्डियां तोड़ दूंगी. क्यों? दे हैवंट प्रिपेयर्ड. अब ये प्रिपरेशन थोड़ी है कि एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. वो तो बुक में भी लिखा हुआ है, वो तो मैं घर से भी पढ़ सकता हूं, है ना. मैं चंडीगढ़ सेक्टर 17 में एक बहुत PhD बंदा, उसने डिग्री भी लगाई हुई है, वो समोसे बेचता है बड़े गजब के. मैं अपना बैग, ये जो बैग है ना, नागपाल साहब पूछ रहे थे ना बैग क्या है, ये बैग में न्यूक्लियर बॉम्ब के बटन है, यस. मैं अपना इस तरह का स्कूल बैग उसके पास समोसे के रखा. एवरी मटेरियल बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, एक दो तो आ जा. आए नहीं. एक तो मैं ले लेता था समोसा के, भैया एक देना, और
उसी बहाने पास में बैग ऐसे खोल देना, तो ऐसे बैग खोल के दो तीन बार मैंने ट्राई किया, नहीं आया। अगले दिन मैंने क्लास में खड़े होके मैम से पूछा, होता नहीं है कई बार हम क्लास में आते हैं जब हमारा पढ़ाने को मन ना ना हो, बेटा आज सरप्राइज टेस्ट है, वो और पंगा है, सरप्राइज टेस्ट तो ले लिया, चेक ही नहीं करते, फिर प्रिंसिपल मैम के पास चले जाती है, मैम पढ़ाते तो एनी डेज टेस्ट ले लेते हैं, चलो आज क्वेश्चन पूछो, ये कर लो वो कर लो, होता है हम भी इंसान हैं, हमारा कभी भाई मन नहीं होता। तो मैम जी ने मुझे टीच किया कि एवरी मटीरियल बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, करेक्ट। मैं कह मैम कल मैं जा रहा था, मेरे पास समोसे नहीं आए, उसका आंसर क्या था, गेट आउट। एवरी अच्छा आगे ना पांच सात, बी केयरफुल, मैं बातों में बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ, आगे ना पांच सात आपके चमचे बैठे होते हैं, यस मैम ऑलवेज वेस्ट द टाइम, मैम ये हमेशा टाइम वेस्ट करता है, हमारा सिलेबस पता कितने पीछे रह गया, दूसरे स्कूल में तीन चैप्टर खत्म हो गया, अभी मैम हाँ यस प्रिंसिपल मैम को ना पता लग जाए कि वहाँ इतना हो गया, ये कंपेरिजन किल्स। अब आपको पता लगा मैं टीचर तो मैं क्या हुआ जी, व्हाट हैपेंड, बाहर खड़ा होता है तो प्रिंसिपल सर का राउंड था, बोला इन पंजाबी सेड तू इतने क्यों खड़ा है, मैं कहा सर देखा मुंह पे उंगलियां छपी होती, तब ये कॉर्पोरल पनिशमेंट होती थी, आज की डेट में नहीं है, अगर आपने कहीं लगा भी दिया तो शाम को ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी खूंखार टीचर, और अगले दिन किसी न किसी टीवी पे चार पांच लोग बैठे होते हैं वो कुर्सियां बिछा के, ये विरोधी पार्टी का बंदा है, इसने पार्टी को बदनाम किया तो थप्पड़ मारा एंड सो ऑन। तो लॉजिक इज व्हाट डियर टीचर्स, मेरे को आंसर नहीं मिला, तो सर ने बोला तेरे को निकाला क्यों, मैंने कहा सर मेरा क्वेश्चन तो सुन लो, उसको दया आ गई यार इसको कि सर अट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ। मैम को बुला लिया गया तो मैम ने बोला कि सर देखो एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वेयर, ये फोर्स ही बड़ी वीक है तो समोसा कैसे आएगा। मैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं, पॉइंट है, कोई लाइव पीपीटी तो नहीं है ना सर, ये हम लाइव है खुद से, कैसा लग रहा है, और मुझे इसका आंसर ही ना मिले जी। और जब मैं टीचिंग करने लगा तो मैं बच्चों को बोलता था आस्क मी एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन आस्क। मैं एक बुक फॉलो करता था कृष्णा पब्लिकेशंस की, पी के अग्रवाल सर की, तो सर के साथ मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, वो आपके मुजफ्फरनगर के हैं, प्रमोद कुमार अग्रवाल, डॉक्टर प्रमोद कुमार अग्रवाल फिजिक्स के, तो मैं सर से भी पूछता था, वो सर बोलता था तू पहले यार किताब लगवा बाद में बात करना, तू मेरे पास टाइम नहीं इतना, क्योंकि मेरे लिए मेरा टीचर मेरा भगवान है, मैं अपने टीचर से हर चीज़ डिस्कस करता हूँ, आई एम प्राउड स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसर सुरेंद्र लाल हु इज ऑथर ऑफ प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स एंड न्यू एरा फिजिक्स। क्या आंसर हो सकता है, हम लोग सोचें कुछ आइडिया दें, आप भी मैं भी हूँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं एनीबडी। मैम आपको बताऊँ एक चीज़, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हम पता क्यों नहीं करते कि बाकी लोग क्या बोलेंगे, ऐसे हम लोग वी आर ऑल वन फैमिली तो हम मिलके ही डिस्कस कर रहे हैं, कोई बताना चाहेगा क्या आंसर हो सकता है। जस्ट इट्स अ सिंपल आई मीन पॉइंट है कि वो समोसा क्यों नहीं आया, मैडम ने बोला वीक है इसलिए नहीं आता, नहीं तो हम सब लोग अट्रैक्ट हो जाते, मेरे को मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैं कौन हूं, स्टूडेंट, मैं कौन हूं, तो अभी क्या बोला अ गुड टीचर इज ऑलवेज ए, उल्टा भी तो हो सकता है, ए गुड स्टूडेंट कैन ऑल्सो बी अ गुड, द टीचिंग ऑफ ए टीचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू स्पेंड विद हिम, यस और नो, द टीचिंग ऑफ ए टीचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू स्पेंड विद हिम, वंस यू कम इनसाइड द क्लास यू आर स्पेंडिंग द टाइम विद द स्टूडेंट एंड यू आर डिपिक्टिंग योर नॉलेज
the student will connect with you. And he or she is going to have a doubt, and the same doubt you are creating and answering. Sir, aap to mere man ki baat jante ho, baba. Wo to nahi ho parchi wale. Aapko kaise pata tha ye doubt hai mera? Haan beta, jab hum padhate hai na, to hamare andar divya shakti aa jati hai aur hame pata hai ki is bacche ko kya aata hai kya nahi aata aur kisi bacche ko kitna samajh aaya hame pata chal jata hai. Wahan par hum vishwa vikhyat jyotishi ho jate hain. Wahan par to wo baba ji bhi fail hain jo parchi bana ke bolte hain ye parche mein likha hai. Hum bolte nahi beta ye tere chehre pe likha hai. The teaching of a teaching is directly proportional to the time you spend with him, yes or no? The teaching of a teacher is equal to k times the time you spend with him. Yes or no? Why do we introduce a constant of proportionality? Yes, ma'am. Big round of applause for honorable ma'am. Ma'am, I request you to join us. Ma'am, hamara saubhagya hoga. Agar hum wahi, agar aapko comfortable hai. No, ma'am. Honor nahi. Aap to देश की धरोहर हो सभी लोग. और एसडी स्कूल तो मेरी जान है. और जब मैं एसडी स्कूल में भेजूंगा ये क्लिप तो फिर देखेंगे आपकी एसडी स्कूल पंजाब से भी सभा से एक हम मिले इकट्ठे हुए तो सनातन से ऊपर तो कुछ साइंस ही नहीं है जी. क्या बोलते हैं आप, है ना? ये जीवन की शैली तो है ही है, ये विज्ञान भी है. यस मैम, प्लीज़ यू वेलकम. एंड माइक मैम को माइक दे दीजिएगा. Dear teachers, am I giving justifications to my workshop? यार वो बृहस्पति को डाउन करके बोलो. आ जाइए प्लीज, आइए आइए प्लीज. लव यू, गॉड ब्लेस यू मैम. यस मैम. मायसेल्फ नीता शुक्ला. यस मैम. एंड आई एम टीचिंग फिजिक्स. ओह वाओ. क्लास 11th एंड 12th. सो टुडे आई वुड लाइक टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू आल्सो सो दैट आई कैन इंप्रूव माय. इट्स अ म्यूचुअल मैम, लर्निंग इज अ म्यूचुअल. ऑलवेज अ लर्नर. या A good teacher is always a good student. So I am a student of you. So ma'am, now मेरे को question पूछा गया कि why do we introduce a constant of proportionality? तो ma'am ने बोला कि you always think bitter, ma'am. बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो all nature is physics. अरे इसी से मैथ्स भी इसी का भाई है, केमिस्ट्री भी इसी का भाई है. बहुत सारी आजकल के ज़माने में तो मेडिकल साइंस में फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है और है भी. और इंजीनियरिंग की तो ये माँ है, इट्स द मदर ऑफ इंजीनियरिंग. एम आई राइट? मैम इज राइट. अब मेरा क्या आंसर है, मैं बोलूँ? ओयो इतना बड़ा पढ़ा, ये कसीदे पढ़े, ये बड़ा, ये अवार्ड अवॉर्ड, ये अवार्ड अवॉर्ड कुछ नहीं होता था, ऐसे मिल जाते हैं. अच्छा, हम यहाँ जस्टिफिकेशन है कि हैं कि नहीं. मेरे को बच्चा पूछता व्हाई डू वी इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. मैंने बोला बेटा जस्ट टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन एंड इक्वालिटी साइन. वो लड़का अनूप गरेवाल, ही इज इन मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. सर आपको एक प्राउड बात बताएं, एक लड़का मनीष गुप्ता है, हु वॉज द पार्ट ऑफ चंद्रयान टीम, माय स्टूडेंट, राइट? मेरे पढ़ाई फेल भी बहुत हुए हैं, ऐसे मत बोलना. अच्छा, तो मेरे को पूछा है व्हाई डू वी इंट्रोड्यूस. मैंने कहा यार इक्वालिटी साइन लगाने के लिए. वो बच्चा बोलता कुछ नहीं बोला बाहर जाके. मेरे को ना क्लास के बाद जैसे प्रेस रिपोर्टर्स नहीं खड़े हो जाते, ऐसे बच्चे घेर लेते हैं. सॉरी, इसका आंसर तो आपने सही नहीं दिया, मैंने क्लास में इसलिए नहीं बोला कि आपकी बेइज्जती ना हो जाए. मैंने कहा यार क्या? कहता सॉरी वो तो मेरे को भी दिखता है. प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया, इक्वल साइन आ गया, वो तो मेरे को भी दिखता है. मैंने कहा जो दिखता है सो विकता यही है. कहता नहीं सर, ये क्या बकवास है. आई टेल यू, के इज व्हाट इफ के इज ग्रेटर देन जीरो. Sir, what is unit? It is a standard measurement of a physical quantity. What is physical quantity which can be expressed in terms of certain laws? N1 U1 equal to N2 U2, fundamental equation of unit. Whatever may be the system of measurement of a physical quantity, its magnitude remains always constant. F is equal to minus 6 pi eta rv. This is called Stokes' law. V equal to 2 by 9 eta r square rho minus sigma into g. This is called terminal velocity. Am I right? Because we are able to understand. Koi galat to nahi bola?
Sir, what is sine 2a? It is 2 sine a, cos a, 2 tangent a upon 1 plus tan square a, cos 2a, cos square a minus sine square a. Sir, what is ddx of x degree? Well, ddx of x degree beta, it is pi upon 180, because 180 degree is equal to pi, and so on. You ask any question, the teacher will answer. Am I right? The k is greater than 0. If k is equal to 0, तो टीचर क्या है, वो एक फेमस गाना है, तू नहीं बोल दी रकन ने, तू नहीं बोल दी तेरे विच तेरा यार बोल दा, कि सर मैडम तू जो पढ़ाती है वो तो किताब में लिखा हुआ है, इससे हटके आंसर कर दे तो मजा आ जाए. एम आई राइट? तो टीचर कॉपी पेस्ट दी बुक. इफ के इज लेस देन जीरो, टीचर से आज बेटा मेरा सिर, मैम इसका बेटा इसका आंसर ना मैं तुमको क्लास के बाद बताऊंगा. क्लास के बाद बेटा अभी मुझे दूसरी क्लास में जाना, तेरे को कल सुबह बताऊंगा. वो सुबह कभी तो आएगी, कभी नहीं आएगी. और वो पूछता ही नहीं है व्हाट इज के, कांस्टेंट ऑफ, इट डिटरमिन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन. सो जी इज व्हाट, जी इज 6.710 to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर, इट्स वैल्यू इज नियरली जीरो. So it is not applicable to day-to-day life. Its constant of proportionality is very, very weak. How's it? You don't like to appreciate it? You are jealous? So dear teachers, this is a life pipetting. How's it? Why do we introduce a constant of proportionality? आज तक अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो मुझे जरूर बताना. जैसे शशिकांत सर ने मेरा नंबर फीड किया तो ऑलरेडी इनके पास फीड था. तो मैं सोच रहा हूँ यार शाहरुख खान मशहूर है इंडिया में, मैं भी हो गया हूँ. लॉजिक इज व्हाट डियर टीचर्स, हमें खुद से सोचना पड़ता है. टीचर कभी पैदा नहीं होता, सॉरी टीचर कभी क्रिएट नहीं किया जाता, वो पैदा होता है. टीचर एंड आर्टिस्ट आर बॉर्न. मुकेश जी दोबारा नहीं पैदा हो सकते, रफ़ी साहब दोबारा नहीं आ सकते, किशोर साहब दोबारा नहीं आ सकते, मन्ना डे दोबारा नहीं आ सकते, है ना, महेंद्र कपूर जी दोबारा नहीं आ सकते. बाकी तो ऐसी बकवास है, मैं तो नहीं मानता उनको कोई, उनको कुछ मेलोडी है उनमें, जनरल बात कर रहा हूँ. लॉजिक क्या है डियर टीचर्स, हमें वो के क्रिएट करना है. तो हमारी वर्कशॉप में पॉइंट आता है कि सर के को हम ग्रेटर देन जीरो कैसे बनाएं. मैम अब आपके क्वेश्चन का आंसर कुछ कुछ मिलने लगा. ऐसे नहीं, अब माइक ले लीजिए मैम से, आ जाइए सभी लोग ने इधर आ जाइए आप मेरे साथ प्लीज. यू आर माय स्ट्रेंथ, आपसे मुझे एनर्जी मिलती है. ओके यस प्लीज. तो क्या आंसर मिला मैम? एक तो हमने इम्यूनिटी की बात की, जो मेरे अंदर है अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू परसीव दैट, एंड कॉन्स्टेंट थिंग समथिंग द वैल्यूज आई गेट टू नो. वे ऑफ टीचिंग, वी हैव टू चेंज द वे ऑफ टीचिंग. हां वे ऑफ टीचिंग, डेवलप इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट. वे ऑफ टीचिंग, वी हैव टू चेंज द वे ऑफ टीचिंग आल्सो टू डेवलप इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग देयर सब्जेक्ट. ये समझ में आया. तो हाउ विल इट, लास्ट ईयर माय सन वाज देयर इन क्लास 10, सो आई एक्सप्लेन्ड ऑल द थिंग, बट आई वाज आल्सो थिंकिंग द सेम थिंग, व्हाई कांट एवरीथिंग गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर, बट देयर वाज नो आंसर टू मी, बट टुडे आई गॉट द आंसर. पर्ची में लिखा है. तो एक बाबा बिघेश्वर है, एक बाबा विपनेश्वर आपके साथ आ गए. आइए प्लीज मैम. सर इसे जो हमें मुझे समझ में आया दैट्स कि we shouldn't focus on that things which are already in book. उस चीज़ को पढ़ाते हुए ये कि बच्चों को इसमें क्या डाउट आ सकता है, कि बच्चे और उससे क्या पूछ सकते हैं, तो उन चीज़ों पर हमें और ज़्यादा फोकस, कि बच्चों के मन में इससे क्या डाउट्स आ सकते हैं. तो अगर हम उस टॉपिक को तैयार कर रहे हैं तो वो जो बुक में है वो तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन इससे रिलेटेड बच्चों के मन में अपनी डेली एवरीडे लाइफ से कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, उन पर ज़्यादा वर्क करना चाहिए उन चीज़ों पर. आप कौन है? टीचर. क्या नाम है? प्रिया जैन. बताओ तो सही जैन साहब. आई एम प्रिया जैन, आई एम टेकिंग क्लास 8 साइंस एंड 11 12th बायोलॉजी. बायो की बात ना करना. सो एंड आई एम टीचिंग इन द पब्लिक स्कूल फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स.
सो मुझे तो इससे यही समझ में आया कि इंटरेस्टिंग हम तभी बना सकते हैं चीज़ों को अगर हम उन चीज़ों पे वर्क करें कि बच्चों को इसमें क्या डाउट आ सकता है। और अगर सर ऐसा भी होता है कि कई बार बच्चे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें भी नहीं वो क्लियर होता कि हाँ ये हमें भी तब पता लगता है कि हाँ ये चीज़ क्यों हुई है, हमने भी नहीं कभी सोचा। माई डियर गुड सिस्टर, जब मैंने आया था मैंने क्या बोला था कि हमारे अंदर जैसे कंगारू के अंदर कंगारू नहीं होता, हमारे अंदर भी एक स्टूडेंट बैठा है। तो फिर उस चीज़ को अगर वो मैंने जगा दिया, you thought the same question to answer, you got the answers. Yes. SD school वाले तो बहुत बंदे को ऐसे ही बड़ा promote कर देते हैं। I belong to the city of Navjot Sidhu, ठोको ताली। And sometimes it happens sir कि बच्चे कुछ question ऐसा पूछ लेते हैं, ये लगता है कि अरे हमने ही नहीं सोचा कभी, फिर हम उस चीज को ढूंढते हैं तब। मैम समझे नहीं, आप एक चीज को समझने की कोशिश करो। जब एक टीचर आता है, तुम क्या जानो टीचर की कहानी रमेश बाबू, सुबह पहले घर में आपने खाना तैयार करना है, टिफिन तैयार करना है, फॉर्चुनेटली आपके चिल्ड्रन है उनका तैयार करना है। अगर पेरेंट्स अच्छे हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो फिर गड़बड़ भी होती है। तो वहां से मूड स्विंग्स आ गया, बस में बैठते हैं, क्या जिंदगी है यार आज क्लास, ओह शिट मैंने तो पेपर भी नहीं चेक किए, चलो मेरे पास एक दो क्लास खाली है मैं उसमें कर लूँगी, आई टेक द हेल्प ऑफ अखिल एंड नितिका, तो वो मेरे साथ टोटल में हेल्प कर देंगे। तो हम लोग जब क्लास में आते हैं ना तो हमारा जो इमोशनल हेल्थ है कभी तो बहुत अच्छा होता है, तो बच्चे एक मिनट में बोल जाते हैं ओ आज मैम ने बड़ा गजब पढ़ाया, आज मैम पहली बार मैंने देखा इतने खुशी से पढ़ाया। और जब हमारा मूड खराब होता है तो बच्चों के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा एक पार्टिकल ट्रेवल करता है, क्या है वो, डर नहीं स्पीड के स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा फास्ट एक पार्टिकल है ट्रेवल करता है, टेक्यॉन TACHYOON। तो आज इसको नॉलेज नहीं बोलते, इसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। अब पटियाला से मुजफ्फरनगर 225 किलोमीटर दूर है, कोई मुंदा पूछे कि ये क्या है, तो ये तो इन्फॉर्मेशन है, तो गूगल भैया से मिल जाती है, भाभी से भी मिल सकती है, ये कोई नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो क्या है कि हम कैसे कॉन्सेप्ट को उनके अंदर लगाएं। तो बच्चे के अंदर हमें क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ाना पड़ेगा, लर्निंग भूख जगानी पड़ेगी, वो कब होगी कैसे होगी इसके ऊपर मैम कुछ कहना चाहेंगे। जैन साहब आप फिर आएंगे दोबारा। Sometimes I just say to my students that I create a problem for myself by asking them to again and again ask the question and then finally at the end of the session or after 4-5 months when they are there with me then they come up and then they keep on asking a question which always put stuck me then. Yes ma'am. Ma'am. And but I appreciate them. Yes, ma'am. Okay, don't just leave this habit of asking the question. Maybe I'm able to answer you right now or I'll answer you later on, but I'll definitely answer you. Keep on remembering your question, what you asked to me. This is the definition of a good teacher. I asked them this thing. Do you know all, ma'am? Yes. Don't you like what she's told? Same thing in our I please aye, ma'am yes we are in a school and the head of the institution Mrs. Chanchal Saxena ma'am okay she guided us in such a way correct so the first point is that why do we introduce a constant of proportionality, is it clear? The first point is that I have created an example of that why it is not attracting, it is clear. What is K? Why do we introduce K? What is the role of K greater than 0? Is it clear? If K is equal to 0, then we are not a teacher. We are just simple. जैसे news नहीं पढ़ते होते तो वो news है. Otherwise, अगर हमें interact करना है और वो interactive script doctored नहीं है तो आपकी टीचिंग गजब जाएगी। अगर आप किताब से देख के, नोटबुक से देख के, कागज़ से देख के पढ़ाओगे तो आपकी टीचिंग 30% ही जा पाएगी, क्योंकि 70% तो आपकी एनर्जी उसी में लग गई है, मोर ओवर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं होगा। मेरे पास कोई कागज़ है, कोई पेपर, कोई स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दिस थिंग दैट शी इज वॉचिंग एट द बुक और शी इज एक्सप्लेनिंग हरसेल्फ।
स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दिस थिंग दैट टीचर देख के पढ़ा रही है या अपने आप से पढ़ा रही है, तो वो ऑब्जर्व करते हैं और वो उसको अप्रिशिएट करते हैं कि मैम आप बुक से नहीं पढ़ाते, आप बोर्ड पर पढ़ा रहे हो, तो हमें समझ में आता है. जो टीचर्स बुक से पढ़ाते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं डेफिनेटली उस चीज़ को. ये बहुत सारी बातें तो हमारे जब बच्चे जाते थे ना पढ़ने, हमारे मम्मा वो तो कुछ नहीं पढ़ाते, मम्मा ऐसी है वो तो मुझे लगता है आपको भी तभी पता लगा जब आपके बच्चों ने आपको बताया कि आप बुक से नहीं पढ़ाते, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है बच्चों ने ये बताया. गजब 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 गजब. यू वांट टू से समथिंग मैम? ये आपका सेशन है, कोई बात नहीं, आप रखिए. हाँ जी, एक मैम थे जो बोल रहे थे, मैं कुछ सोच के आऊंगी. वो मैम आपका. हाँ जी, यस मैम, यस. यू हैव क्लियर्ड ऑल माय डाउट्स. इधर आइए. यू जस्ट आस्क द क्वेश्चन. नहीं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, ये भी रख लीजिए आप, कोई बात नहीं. ये वर्कशॉप आपका, आप ही ने बोलना है. यस मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे. नाउ ऑल माय डाउट्स आर क्लियर्ड. ऑटोमेटिकली हो गया? नो नो, आफ्टर लिसनिंग टू यू. Means that question already I got answered. आपने तो नहीं मुझे कोई बताया. ठीक है, sure. Yes ma'am, please stay with us. You want to say something? मुझे लगा actually, but yes, I will say that sometimes we teach the students with giving the examples in our surrounding, and I think it is very good. First we start the class with the questions that how, why this happens. So students also find the answers, and we also give the examples with our surroundings so that students can learn the things easily, I think. Yes, yes ma'am. Mujhe ek bar because science is in our surrounding, everything happens, that is science. Yes, yes, give the examples. Yes, you're right ma'am. In our area there is जैगुआर एंड ऑल एयरक्राफ्ट्स, यू नो, सॉर्टीज होती रहती हैं. तो हम लोग धूप में क्लास ले रहे थे तो जहाज़ के पीछे एक वाइट लाइन सी बनती आ गई. अब मैंने फिर मैडम से पूछ लिया कि मैडम ये जहाज़ के पीछे सफ़ेद लाइन क्यों है. खड़ा हो. ओके, यस मैम. क्यों, टॉपिक कौन सा पढ़ा रही हूँ मैं? ओम्स लॉ. Keeping the physical conditions of the conductor constant, the follow potential is directly proportional to the current. मैं कह, मैं मेरे को आता है. Stupid, तेरा दिमाग ना ऊपर आकाश में है. तेरे को पढ़ा मैं ओम्स ला रही हूँ, तू जहाज देख रहा है. मैंने कहा क्यों देख रहा हूँ, उसका गलती भी आपकी है. बिकॉज ओम्स ला, आई नो. मुझे ये बताइए कि वो जहाज के पीछे वाइट लाइन क्यों है. मेरे मैम ने फिर ठोक दिए दो. कोई बताएगा? जेट के पीछे जो व्हाई देयर इज अ वाइट लाइन बिहाइंड. आइए मैम, आप भी आइए. यस मैम, कंटिन्यू प्लीज प्लीज. हम लोग, इट इज आवर वर्कशॉप. यस प्लीज. यस, आप भी माइक लीजिए ना, उनको माइक दीजिए, बोले जो माइक लीजिए, प्लीज बोलिए. Gases. Yes. वो पीछे रह जाता है. पीछे रह जाता है और dispersion तब तक मतलब वो diffusion नहीं हो पाता, तो इसलिए हमें वो दिखती है थोड़ी देर. करेक्ट करेक्ट. वो मैक से चल रहा है, मैक 332 मीटर पर सेकेंड. थोड़ा बहुत आता है फिजिक्स थोड़ा. यस सर, पहले तो मैम का कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है, उन्होंने आके माइक पे बोला. आपको एक चीज बताऊं, देयर वाज वन ग्रेट फिल्म एक्टर महमूद, सुना होगा ना, वो फिनोमेना है. देयर वाज एन एक्टर अमिताभ बच्चन, देयर इज एन एक्टर अमिताभ बच्चन, है ना. देयर वाज वन सॉन्ग, देखा ना है न सोचा ना है, रख दी कलेजे पे जान, बॉम्बे टू गोवा, इट वाज शॉट इन मूवी दैट इन बस. तो 3 महीने उसकी शूटिंग चली थी और एवरी टाइम अमिताभ बच्चन को वो बोलते थे कि आपने बड़ा गजब किया. वो 3 मंथ हो गए हैं अभी तक ये आप रीशूट करवा रहे हो. कहता आज बेस्ट हुआ, ये फाइनल है. कहता इससे पहले सब बकवास था. कहता फिर आपने बोला क्यों नहीं. कहता आप डिमोरलाइज हो जाते. तो कुछ चीज़ें हम सराउंडिंग से सीखते हैं. कोई भी बंदा इनिशिएटिव लेता है ना, उसको यार इनकरेज तो करो. जिसने पहली बार मोटर बोट बनाई थी,
कहते चलेगी नहीं, स्टार्ट हुई बोलते रुकेगी नहीं, कहता यू टर्न नहीं लेगी, यू टर्न भी लेगी जब रुक गई तो, सब बोलते यार हम भी ट्राई करें, इनिशिएटिव लेना बड़ा जरूरी है, इनिशिएटिव कोई नहीं लेता। सड़क पर कोई बंदा एक्सीडेंटल गिरा हुआ है तो हम गाड़ी से निकल, वेरी सैड। अगर आपके पास टाइम हो या ना हो, रुको, उसकी हेल्प करो, इनिशिएटिव, और साथ में 10 लोग और आ जाएंगे, है ना। दिल्ली में सर जब मेट्रो आया था ना, तो ऑटो वाले बोलते थे सर ये फेल हो जाएगा, मैं क्यों, कोई नहीं बैठेगा, क्यों, अरे हम आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट छोड़ते हैं, ये कैसे छोड़ेगा। मैंने कहा मेरे को भी लगा होगा ऐसा, लेकिन आज की हालत ये है कि आप राजीव चौक में खड़े हो और आपने द्वारका जी जाना है तो आपको मेट्रो में चलना नहीं पड़ता, लोग खुद ही धक्का देके अंदर ले जाते हैं। लॉजिक इज व्हाट, जब आप इनिशिएटिव लोगे तो सभी लोग आपको फॉलो करेंगे। अब मैं इनिशिएटिव लेने जा रहा हूँ कुछ डिफरेंट, पकड़ेंगे आप, खींचो। फोर्सेस को एग्जिस्ट इन प्यार, वन बॉडी सेकेंड बॉडी, न्यूटन्स थर्ड लॉ सिग्निफिकेंस, हैज इट। सो ये एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है जी। डियर टीचर्स, डियर विशप गुरुज, आई रिस्पेक्ट यू ऑल, मैं बहुत कुछ सीख के जाऊंगा आपसे। इसके पीछे एक सफेद लाइन बन गई, देयर इज वन प्रिंसिपल, रॉबर्ट बर्नालिस प्रिंसिपल, सुना है आपने, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, ग्रेविटी हेड इज ऑलवेज कांस्टेंट। फॉर हॉरिजॉन्टल ट्यूब प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस हाफ रो वी स्क्वायर, रो इज द डेंसिटी, वी इज द वेलोसिटी, क्योंकि ये साइंस की है तो मैं साइंस की ही बात करूंगा जी, ठीक। जो एयरक्राफ्ट है वो मैक से चलता है, MACH, मैक, वन मैक इज 332 मीटर पर सेकेंड, एंड 25 डिग्री पे 340 मीटर पर सेकेंड, टेम्परेचर के साथ स्पीड का पड़ता है, वी इज इक्वल टू गैमा टी अपॉन रो, स्पीड ऑफ साउंड रिलेशन विद द टेम्परेचर। मैं हर चीज लॉजिक से डिस्कस करूंगा, कहीं भी रेजोनेंस नहीं होगा। जब ये जहाज मैक से चलता है तो क्या होता है कि इधर प्रेशर है P2, जहाज के पीछे प्रेशर है P1, तो P2 इज ग्रेटर देन, जितने भी वाटर वेपर्स है वो कंडेंस हो जाते हैं, वो अलॉन्ग विद द स्मोक, आप सही कह रहे हो, क्लाउड्स बन जाते हैं। तभी कहते हैं फास्ट मूविंग ट्रेन के पास मत खड़े हो जाओ, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, उसकी चपेट में आ जाओगे, ये चपेट का मतलब यही होता है। आपने बचपन में देखा होगा, हम तो गांव के हैं भाई, एक टॉय होता था उसके अंदर ब्लो करते थे तो एक गोली ऐसे से घूमती रहती थी, वो भी बर्नालिस यही है। या फाउंटेन के पास आप कोई भी कॉर्क, उसकी टेनिस की बॉल रख दो तो बॉल नीचे नहीं गिरती थी, वो फाउंटेन में घूमती रहती थी। तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नालिस प्रिंसिपल। जहाँ मेरे चार चांटे पड़े थे वो मेरे को थप्पड़ की गूंज याद रही, जब मैं क्लास में गया तो मेरे अंदर का स्टूडेंट उस टीचर ने जगा दिया, और वो अंदर के स्टूडेंट ने टीचर को जगा दिया जो मेरे ही अंदर था, वो आज आपके सामने ये PPT बना के दे रहा है। आप इधर आइए, हाँ माइक ले लीजिए, आई थिंक यू आर द, मेरे साथ एक लाइन बोलेंगे, अ टीचर, मरी सी आवाज में नहीं, अ टीचर इज मोर मैच्योर देन हिज और हर एज। जब आप +2 में जाते होंगे बोलते होंगे बेटा सीधू के बैठो, वो बोलते होंगे तो हमसे भी तो छोटी लगती है। सो यस मैम, नो नो यू वेलकम। एक्चुअली माय यंगर डॉटर इज जस्ट द सेम हाइट एज मी एंड शी इज एन एलटेक फ्रॉम पेट चंडीगढ़ एनवायरनमेंट एंड शी टॉट द BTech students and we thought everybody laughed at her ye kya padhati hogi khud bachchi hai yeah great to gyan kahin se bhi mil jaye to gyan lena zaruri hai exactly you teach which subject science we are all science people rest are nonsense people to bataiye kya padhate hain aap so science 6 to 8 koi aisa question jo aap mujhse puchna chahte ho sir
question. I think doubt are clears with your examples. But yeah, some students and some teachers have different environments. I think every teacher has his personal era. Personal? Era. Okay. Yes. Because it's about age. Yeah. Like I am approx 24. That's why I'm also a student. Even teachers also students, but I think she all has more knowledge than me. आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. Yes, sir. बहुत इंटरेस्टिंग. Yes, sir. एक बार एक जमाना था जब कैसेट रिकॉर्ड करते थे लोग अपनी सेलेक्ट करते चॉइस की. कोई भी 40-45 साल का अंकल ना उसका पास्ट वॉस कैसेट के सॉन्ग से पता चल जाता था कि ये इसका गुजरा हुआ कल कैसा है. तो मेरे पास एक मारुति होती थी तो वो अंकल कहता है यार तेरी गाड़ी में बड़ा अच्छा साउंड सिस्टम है, खुद बनाया था मैंने स्पीकर लगा के, मैं कैसेट प्ले करना चाहता हूँ तेरे साथ चंडीगढ़ तक जाऊँगा. चलाया तो पहले मैंने डाला तो उसमें लिखा था आग है लगी हुई हर तरफ, यहाँ वहाँ जल रही है ये जमी, जल रहा है आसमां. तो मैंने कहा अंकल मेरे को नहीं एक्सेप्ट कर रहा था मैं. मैंने कहा अंकल इसमें ऑटोमेटिक सेंसर सिस्टम है, जब मैं प्रेस करूँगा तो अगला गाना आ जाएगा. कहता दिखा. दिखाया. मैंने कहा गाना स्किप हो जाएगा. आगे गाना दिखा. जिंदा हूँ इस तरह गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं. तो वो भी मैंने सुन लिया. उसके बाद फिर गाना निकला तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं वापस बुला ले. वहाँ भाखड़ा आई, मैंने ब्रेक लगाई. मैंने कहा मैं इसमें कूदने जा रहा हूँ. कहता क्यों? मैं ऐसे गाने सुनेगा तो जीने का मन किसका करता है. ये अकेले में सुनने वाले गाने हैं, क्लब में नहीं. जब आप बच्चों के साथ मिलते हो ना तो यो दीदी घर में आप. अब मैं बहुत सीनियर भी हूँ लेकिन मैं मैथ्स में रैप चलाता हूँ. साइन टू ए टू साइन ए कॉस ए टू टेन जटे पॉइंट ऐसे करके ना मैथ्स में रैप चलाता हूँ. डीडी एक्स अब साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे मैथ में रैप चलाता हूँ. सर व्हाट इज दिस? मैं कह साथ में आप म्यूजिक भर दो, बाद में बोलो पंजाबी. पहला ये पंजाबी रैप है जिसमें कुछ समझ आने वाली चीज़ें हैं. लॉजिक क्या है मैम? हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, हमें जनरेशन के साथ आना पड़ेगा, हमें उनके टेस्ट को जाना पड़ेगा. कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ने तो आता ही नहीं है. अंदर से कहीं टीचर बोल रहे सर पढ़ाने को भी मन कभी कभी करता है. इसलिए हमें कनेक्ट करना पड़ेगा. आप सीधे आके क्लास में शुरू कर दो पढ़ाना, बोरिंग हो जाएगा. तो क्या तरीका होना चाहिए क्लास में सबसे पहले शुरू होता है? यस यस मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम के लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. मैम आए यहाँ. थैंक यू मैम. यस कैसे करेंगे आप? क्या इंटरेक्शन होगी? लाइक फर्स्ट तो जो भी प्रीवियस पढ़ाया है उसके बारे में फर्स्ट, फिर जो भी हमने एक्टिविटी कराई है लाइक जो प्रीवियस दी है घर से होमवर्क उसके बारे में डिस्कस करना, देन स्टार्ट. बढ़िया है, गुड है. यस मैं कैसे कनेक्ट करूंगा पूछो? सर आप कैसे करोगे? पहले मैं देख लूँगा माहौल क्या चल रहा है. ओ यार आपको लगता है ये इसने शुभमन गिल ने अच्छी बैटिंग की है? मैं बच्चों का मूड कैसे ठीक करता हूँ? यार पाकिस्तान से तो जीत गए. ठीक है तो लॉजिक क्या है? लॉजिक इज व्हाट? पहले 5-7 मिनट हमें उनको ह्यूमरस करना होगा. उसके बाद यह बोलते हैं यार मैम राउंड पे हैं, डर के आगे मरी से आवाज में, डर के आगे जीत है. जो डर गया समझो तो जीतेगा कैसे? ये कंट्राडिक्शन है. डर के आगे हार है, हौसले के आगे जीत है. अब बच्चों को डरा के मत पढ़ाओ, हौसला देके पढ़ाओ. या आचार्य सलमान खान ने बोला होगा, मैं नहीं एग्री करता, लेकिन जो गब्बर सिंह से दोनों एक कॉन्ट्राडिक्ट कर गए हैं. तो बच्चों को हमें मोटिवेट करना है, यार देख मैम राउंड पे हैं, हम पढ़ते हैं. कभी इंसेंटिव दे दिया, बताओ व्हाई देयर इज. एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा, सर क्लाउड्स पहाड़ों में कमरे के अंदर आ गए. सर मैं कह वेरी गुड सर, मुजफ्फरनगर में क्यों नहीं आते? क्या आंसर हो सकता है? नहीं चलो एल्टीट्यूड तो वहाँ भी है, कोई बात नहीं. हम मुजफ्फरनगर को एल्टीट्यूड की बात है, वो तो वहाँ भी है.
Do the clouds float? Yes. क्या do the cloud floats? मैम ने बोला yes. Do the clouds floats only? Answer is no. Clouds V equal to 2 by 9 eta r square rho minus sigma into g. क्योंकि हम सब सेंसफुल बंदे साइंस वाले हैं तो जानते हैं ईटा इज कॉल्ड कॉफिशियंट ऑफ विस्कासिटी. विस्कासिटी इज फ्लूइड फ्रिक्शन. Whenever there is a relative motion between the two different layers of the fluid, an opposing force comes into play, that is called viscous drag. That is equal to F is equal to minus 6 by eta RB. ऐसे ही अवार्ड मिले मैम, बहुत गिसाई की है. ओके, तो ये जो R है रेडियस है. बादल क्यों गरजता है वो बात की बात है. उसकी छोटी 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 बूंदे होती है, उसका रेडियस बहुत छोटा होता है. उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसका रेडियस और छोटा हो गया, तो उसकी जो फॉलिंग वेलोसिटी है वो कम हो गई. तो ये दो कंपोनेंट्स में चलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हवा का हो गया और एक ग्रेविटी के कारण. तो क्लाउड्स आर फॉलिंग फ्रीली ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. तो बादल केवल तैरते नहीं है, बादल गिरते भी हैं. लेकिन वो दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं मुजफ्फरपुर में नीचे आने से पहले, या तो बरस जाते हैं या हवा के साथ घनन घनन हो जाता है, चले जाते हैं. गॉट इट? तो ये क्या है कनेक्शन करना? कुछ ना कुछ डेली आप बच्चों को यस हाउ इज इट. अच्छा मान लो मेरे को कई लोग बोलते हैं, कई प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि सर पीपीटीज वगैरह, मैंने क्या करना था, तारे जमीन पे का क्लिप दिखा देना था. बोलता था ये तो देखते रहते हैं यूट्यूब पे इधर उधर से चोरी चोरी करके. वो नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जो जो मैंने झेला है देखा है. मतलब आई बिलीव इन गुरु गोविंद सिंह जी लाइन, जबे जबे बांध लगे तबे तबे रोज जागे. जब आपको कोई चैलेंज करता है उसको एक्सेप्ट करो और उसको बहुत अच्छे लेवल पे आंसर करो. सचिन तेंदुलकर का बहुत क्रिटिसिज्म होता था लेकिन वो बैटिंग करके इसका आंसर करता था. नवजोत सिंह सिद्धू इज अ वंडरफुल क्रिकेट प्लेयर, इज माय नेबर. व्हेन ही वाज सिलेक्टेड इन इंडियन टीम तो 3 डे इंटरनेशनल होता था. पहले में 2 रन बनाए थे, एक में 0 बनाया था. एक राजन बाला इंडियन एक्सप्रेस के प्रेस रिपोर्टर थे स्पोर्ट्स के, उसने बोला था नवजोत इज ए स्ट्रोकलेस प्लेयर. उसके बाद मैंने उसके घर में देखा, इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर अस. सभी जगह उसने अपने स्टडी रूम में इंडियन एक्सप्रेस खरीद के हेडलाइंस सारे पेस्ट किए हुए थे और वो 18-18 घंटे प्रैक्टिस करता था. वर्ल्ड कप हुआ था जब इंडिया में रिलायंस का सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाए थे. एंड ये अंदर से चैलेंज क्रिएट करना होता है और उस चैलेंज को मीट करना होता है. हम में भी आपस में बहुत कॉम्पिटिशन है, बहुत पॉलिटिक्स होता है स्कूल में, हम जानता हूँ. अगर कोई प्रिंसिपल मैम को ऐसे ही मिलने चला जाए और वो आपका फेवरेबल बंदा नहीं है, उसके बाद प्रिंसिपल मैम आपको बुला लें, पक्का मेरे अगेंस्ट बोल के आई है. और होता कुछ नहीं है ऐसा. मैम को बहुत सारी चीजें हमें कहनी पड़ती हैं, नॉट एज ए पर्सन, बिकॉज ऑफ द चेयर. एम आई राइट मैम? यू हैव टू रिस्पेक्ट द चेयर. एम आई राइट सर? सो डियर टीचर्स, मेरा क्वेश्चन ये है, ये चीजें कैसे क्रिएट करोगे? अपनी ब्रांड वैल्यू कैसे बनाओगे? मैनेजमेंट को पागल कैसे करोगे? मैनेजमेंट कैसे पीछे पीछे फिरेगी? आपका नाम प्रीति शर्मा. प्रीति मैम, आप स्कूल अगर 2 दिन भी छुट्टी करते हो ना, बच्चे हल्ला कर देते हैं, मैसेजेस ग्रुप में आते हैं, ऐसा हो भी रहा है? आपने मुझे बताया? पर्ची में लिखा है. कोई बताएगा कि कैसे हम अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हैं? बाकी पहना भी बोलो, तो सारे चुप करके क्यों बैठे हो? आ जाओ ना प्लीज, टेक इनिशिएटिव. आओ मैम को भी दो, मैम कुछ कहना चाह रहे हैं पहले. यस यस मैम. थोड़ा ये And you take which subject? Science. Okay.
अब साइंस में ऑल नेचर इज साइंस आई नो, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक जो आपका बड़ा फेवरेट हो बायो को छोड़ के? आइए आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए मैम. ओके दिस गुड दिस गुड. एक मिनट रुकिएगा. हाँ जी मैम कैसे? आई ऑलवेज विश टू क्रिएट एवरी टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट. सपोज इन क्लास सेवन्थ चैप्टर ऑफ लाइट इज देयर. या सो व्हेन वी वर स्टडी वी कुड नॉट अंडरस्टैंड द व्हाट इज गोइंग ऑन इन रे डायग्राम. सो व्हेन आई एम टीचिंग नाउ सो आई थॉट दैट माई स्टूडेंट्स मस्ट हैव अ क्लियर कंसेप्ट कि व्हाट इज गोइंग ऑन हाउ डू वी ड्रॉ द रे डायग्राम. So I asked them to bring laser lights. They were having laser lights. And then we closed all the doors and windows. And I told them with different mirror and lenses also, and then prism also, whatever they are is given in their book. So I related all the things, and they used to make the ray diagrams on their own when the concepts were getting clear in their mind. So in that way they enjoyed also, and when I asked counter questions so they were able to reply the answer. Ma'am, first of all, you must appreciate learner. Appreciation is proportional to your own appreciation. Otherwise, if you are not appreciating, then God is depreciating. So you are doing nothing creating. Okay? So कोई भी जो आप रखिए अपने पास. क्वेश्चन है मैम का कि मैं बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग साइंस रे डायग्राम बनाती हूँ. एक और मैं बता दूँ. आइए मैम, मेरे को तो ऐसे ही बुलाया आपने. मैं तो आप ही क्या है, अभी तो बहुत गैलेक्सी ऑफ स्पीकर्स बैठे हैं, सभी ने पार्टिसिपेट करना जी. कई लोग बड़ा टफ लुक्स दे रहे हैं. प्लीज सर, मैं बड़ा सिंपल बंदा हूँ. यस प्लीज. एज वी कंप्लीटेड आवर कोर्स इट वाज इंस्ट्रक्टेड बाय मैम दैट यू जस्ट टेक ओरल्स आल्सो बिकॉज़ दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. सो आई आस्क्ड देम क्वेश्चंस ऑन माय ओन इन दैट वे सो दैट दे डेवलप इंटरेस्ट इन दैट. एंड द टॉपिक वॉज हम जंगल में जाएंगे. आज टॉपिक ये था. यस, गो टू जंगल. यस. And the questions were related to chapter of locomotion and parts of plants. So मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाए कि आप जंगल में गए, आपके इंसेक्ट ने पैर में काट लिया. ठीक है, आपने उसको देखा कि उसके तो एक शेल था. तो उसमें जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो बाहरी शेल होता है इसको क्या बोलते हैं. तो जिस बच्चे को समझ है पूरे चैप्टर्स की वो बता देता है, जिसको नहीं होती वो नहीं बता पाता. तो इस तरीके से बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे. बच्चे कह रहे मुझसे कि मैम आज जंगल में ही जाएंगे या कहीं और भी जाएंगे. इस तरीके से इंटरेस्ट डेवलप करते हैं बच्चों के अंदर, वो सीखते भी हैं. फिर मैंने उनको खुद से बोला कि तो अब तुम फ्रेम करो क्वेश्चन. करेक्ट. तो वो एक दूसरे से क्वेश्चन फ्रेम कर रहे थे ऐसे ही कि तू जंगल में गया, वहाँ एक ऐसे स्नेक पड़ा हुआ था, अब ये बताओ कि ये कैसे मूव करता है. तो वो भी टॉपिक है कोर्स में. तो इस तरीके से बच्चे खुद भी इंटरेक्ट करके. वंडरफुल वंडरफुल. यस, नाउ यू वांट टू, नाउ यू आर चार्जिंग अप ऑल, यू नो, यू नो, यू आर चार्जिंग अप. यस प्लीज. यस. थोड़ा आप इधर आ जाइए, मेरे को फ्रेम में लाना आपको. यस. दिस टाइम वी हैव डन कि वी हैव आस्क्ड द स्टूडेंट्स बिफोर वन डे, बिफोर टेकिंग द टेस्ट, बिफोर वन डे वी हैव आस्क्ड देम टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट यू ऑल विल मेक अ क्वेश्चन पेपर ऑफ फाइव क्वेश्चंस. यू विल फ्रेम अ क्वेश्चन पेपर ऑफ फाइव क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट चैप्टर. एंड नेक्स्ट डे ऑल ऑफ देम प्रिपेयर द क्वेश्चंस बिकॉज they were very exciting. कि excited कि क्या होने वाला है, मैम ने हमें questions frame करने के लिए क्यों बोला है. तो next day I think we have done, all have done this thing कि हम लोगों ने सबको questions, I asked them to just give me the question papers which you have prepared now. तो उन्होंने सबने question papers मुझे दिए. then मैंने सबको अलग अलग question papers distribute किए. and then we asked them to give the test. एवरी स्टूडेंट वर वेरी हैप्पी कि आज हमने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए
और मैम ने उन्हीं का टेस्ट लिया और किसी और स्टूडेंट ने वो बहुत इतने एक्साइटेड इसके बाद वो बच्चे थे देखकर कि क्वेश्चन वह हमने क्वेश्चन बनाया और किसी दूसरे बच्चे के पास क्वेश्चन पेपर गया, आज मैम ने क्वेश्चन नहीं दिए. वो इज सल्यूट. ऐसा तो नहीं था कि आपका मूड नहीं था पेपर बनाने का? नहीं, मैं थोड़ा जॉबियल सा रखता हूँ सिस्टम, बिकॉज कसम से मेरी मेरे बोलने से आपको आइडिया होगा कि मेरी कितना एक्सपीरियंस हो चुका है. ये पहली बार सुनने में आया है. और ये SD स्कूल वाले ही कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर सनातन है. मैं आपको बताऊं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट चौक पे शनि महाराज वाले आते हैं सैटरडे को. 90% तो हम भगवान को इसलिए मानते हैं कि काम हो जाए. वो शीशा किया उसने नीचे, कहता शनिवार है. मैं क्या मंत्र सुना, कहता है. मैं क्या बोल, ओम नीलांजनम समाभासम रवि पुत्रम यमा गर्जम छाया मार्दंडम तम नमामि शनिश्चरम. तक मैं बद्दुआ दूंगा. इतने में देने लगा, रेड से ग्रीन लाइट हुई, निकल गया. तो क्या होता है, ये सनातन ही सिखाता है कि चंदन के तिलक का क्या इंपॉर्टेंस है. हमारे स्कूल में लगता था, अब शायद थोड़ा सा यो कल्चर आया, यो ब्रो, तो शायद बच्चे नहीं लाइक करते, बट लगाना चाहिए. मैम, जो आपने बोला एग्जाम्स कंडक्ट करने का, बच्चों को बोला क्वेश्चन फॉर्मेट करने का, और आप आज एक और ऐड कर दो कि बेटा एक डायरी लगाओ, जो भी आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए वो भी लिखो. एक बच्चे ने मुझे अंग्रेजी का शेर सुनाया. हम बोलते हैं ना उर्दू में, हर एक बात पे कहते हो तू ही तू, क्या है तुम्ही का हो के अंदाज़े गुफ्तगू, क्या है रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँखी से न टपका वो लहू क्या है. गालिब साहब ने लिखा ये, है ना. एक बच्चा बोलता सर मैंने भी लिखा. मैं क्या कहता, आई वॉज फ्लाइंग काइट इन द नाइट. आई वॉज, मैं क्या बेवकूफ आदमी है, रात को पतंग कौन उड़ाता है, यहाँ कौन सा फ्लड लाइट लगी हुई है. कहता आई वॉज फ्लाइंग, अच्छा डरते क्यों आप, ये तो लेके आए मेरे को. आई वॉज फ्लाइंग काइट इन द नाइट. क्या आगे कहता, डॉग वॉज बार्किंग, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट. ये साहब अमित जी के लिए एक क्लैप हो जाए. कल सर मेरे को जब लेने आए ना, बड़ा अच्छा लगा. ये कहते आप कहाँ खड़े हो, मैं क्या पत्नी कोई पारस बुक डिपो के पास खड़ा हूँ. कहते मैं अभी आ रहा हूँ. तो ये मेरे को बोले फॉलो मी. मैं बहुत कम लोगों को फॉलो करता हूँ और पर्टिकुलरली किसी मेल को फॉलो करना कितना एम्बेरसिंग है. तो मैं इनको फॉलो करने लगा, ये मोटरसाइकिल लेके इधर उधर से निकल गए. तो मैंने इनको कॉल किया, मैं कहा भैया तुम मुझे लेने आए हो कि मिलने आए हो, यही बोला था. तो इनको समझ ही ना आया. और सुबह होटल में जब मैं नहाने लगा तो मैंने होटल वाले को बोला भैया मैं बाल्टी और मग्गा अपने पटियाला बुलाया है. तो दिस इज अनदर वे टू कम्युनिकेट. उसको बोलो ए यार तुम्हारे होटल में ये नहीं है, क्या है बकवास नॉनसेंस, उसे ऐसे बोलो. तो वो नई बाल्टी लेके आया. तो दिस इज द वे टू कनेक्ट. अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं टी टाइम कहना चाह रहा हूँ. डू यू फील दैट वी आर You are all enjoying the workshops? Yes. पक्का? Yes. दोबारा भी बोला, मैं थोड़ी बहुत नौकरी मिल जाएगी आगे से ना. सी मैम, कैन यू गेट 5 मिनट्स? हम अपनी ब्रांड वैल्यू कैसे बनाएं? मैं स्कूल को इम्पॉर्टेंट तब मानता हूँ जब मैं स्कूल को अपनी इम्पॉर्टेंस दिखा रहा हूँ. ये तो शिवजी का थड़ा, एक गया दूजा खड़ा, स्कूल को फर्क नहीं पड़ता. अगर हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो हम अपलॉडेड हैं, अगर हम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं तो मैनेजमेंट भी हेल्पलेस है, है ना. आपको सैलरी कौन देता है? मैनेजमेंट देती है. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैनेजमेंट. गलत बोला आपने, आपको सैलरी बच्चों के पेरेंट्स देते हैं. अगर वो ही खुश नहीं है तो फिर स्कूल की मैनेजमेंट कहां से खुश होगी? पीटीएम होती है, पीटीएम को हम बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे कैसे, राइट? इफेक्टिव टीचिंग में इमोशनल पॉजिटिव हेल्थ कैसे करते हैं वो हम क्रिएट करेंगे कैसे, अपनी ब्रांड वैल्यू कैसे बनाएंगे, ये सब हम चाय के बाद.
right? And I request you all to write one question, we'll discuss. तो उसके बाद फिर हम conclusion निकालेंगे. तो honorable ma'am, मैं आपको request करूँगा तब कि आपने conclusion देना है कि इस workshop में क्या मिला क्या नहीं मिला. मेरी आपसे humble request होगी. आपको एक चीज़ बताऊँ, physics के जितने भी teachers कहीं भी मिलेंगे ना, बड़े अच्छे होते हैं. हाँ, देख लो आप कहीं भी फिजिक्स के जितने भी टीचर्स हैं वो बड़े. आई टेल यू लेटर अबाउट द टाओ ऑफ फिजिक्स एंड ऑल एंड कनेक्शन विद द केमिस्ट्री आल्सो. केमिस्ट्री को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते. यस मैम, आइए आइए, माइक पकड़ो. केमिस्ट्री किचन. हाँ, हनेक्सर हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन रेडॉन. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सुना होगा आपने, उसके पोस्टुलेट्स हैं. मेरे को याद नहीं होते थे तो मैंने बोला ऑल मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल. ऑल मॉलिक्यूल्स आर, दे आर वेरी हार्ड टू कंप्रेस, दे मूव इन द रैंडम डायरेक्शंस. They move in the random directions. नहीं नहीं, मैं इसके नजदीक चला गया था. They move in random directions. Their collision is instantaneous. There is no time lag. The distance between the two molecule is called free path. गलती पकड़ना. Their collision is perfectly elastic. कोई गलती नहीं है. The volume is negligible as compared to the total volume of the gas. Their impact on the wall causes pressure. थोड़ा माइक दूरी पे. हाँ जी, हाँ जी. Rhyming song, rhyming statement we give them to memorize the name of the planets, which are placed according to their distance from the sun. My very efficient mother just serves us good as. And for the reactivity series also, I have given them a statement. Like, please stop calling me a zebra. Call me a hippo. In the land of hippos. Please stop calling me a zebra in the land of hippos. Please mix potassium, stop sodium in this way. So they are memorizing it very well and they are doing the sequence of elements, they are arranging the elements such questions. When we are giving them in the exam, we are getting a very good response. Wow, great, great. चाय ब्रेक के बाद हम पिज्जा खाएंगे बोर्ड पे. चाय ब्रेक के बाद फिर ले लेना आप. चाय ब्रेक के बाद हम मैम को 200-200 दे के 500 लेंगे. वो बताऊंगा कैसे. चाय ब्रेक के बाद अगर ये स्लिप कर जाए तो आपकी ड्यूटी बनती है मेरे को बताना. विल यू असिस्ट मी? ओके, क्योंकि मेरे पास कुछ लिखा नहीं हुआ. हाँ जी. आई यूजुअली कंडक्ट क्विज फॉर द स्टूडेंट. डे बिफोर यस्टरडे आल्सो आई कंडक्टेड द क्विज. I formed four teams in my classroom and I brought toffees for them, and in this way they were so excited for the quiz day before. I mean, before the conducting the quiz, one day before I announced in the classroom that tomorrow we are going to have a quiz of the whole syllabus and the oral questions will be asked to you, and whosoever the winning team will be given the prizes. And I brought toffees for all the participants and they really enjoyed. They were all learned properly. That was the incentive for them. मैं भूल ना जाऊं, मैं अभी कर देता हूं फाइनल भी कई बार, क्योंकि कुछ लिखा तो है नहीं यहाँ कागज़ देख देख के, तो मैं बोल नहीं रहा. जितने भी एसडी स्कूल में मैं जाता हूं तो मैं एक प्राइज अनाउंस करता हूं, कैश प्राइज ऑफ 5100 रुपीज़ ए पर्सन हु टॉप्स इन प्लस टू CBSE इन द डिस्ट्रिक्ट, एंड सेम प्राइज इवन टू योर स्कूल टॉपर्स, बिकॉज जहाँ से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, यहीं से टॉप पर आना मुझे मता है. और टेंथ के बच्चे को भी 5100 का प्राइज. अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको रिकॉर्ड पे ले लीजिएगा, क्योंकि मेरी माँ प्रिंसिपल रही है तो वो ऊपर है, देखती रहती है. पापा जी भी दोनों ओके, तो उनकी बड़ी अच्छी इक्वेशन है, अभी भी वो ब्लेसिंग्स देते रहते हैं. तो ये उनके नाम से है. एसडी स्कूल में एवरीवेयर वेयर एवर आई गो. कई बार मैं एसडी स्कूल देखता हूँ तो ब्रेक लगा लेता हूँ. एक बार एक एसडी स्कूल में गया, वहाँ प्रिंसिपल सर पीएचडी संस्कृत,
तो मैं ऐसे ही चला गया, तो मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। कहता ओके। मैंने कहा सर मैं बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन लेक्चर देना चाहता हूँ। बोलता आप कोचिंग वोचिंग वाले लगते हो, डाटा लेके उन्हीं को कॉलिंग करके हमारे स्कूल का बेड़ा गर्क करोगे। तो हाउ वी कैन गेट रेड ऑफ द कोचिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा, ये कोविड से भी खतरनाक है। डॉग्स एंड कोचिंग मार्केटिंग पीपल आर नॉट अलाउड इन द स्कूल। मैम गेट के बाहर लगा दीजिए। वो अंदर आएंगे, डाटा ले जाएंगे, वहाँ पर कॉलिंग करके स्कूल को डेंट मारते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग ही इतनी ज़बरदस्त टीचिंग करें कि उनको हम लोग किसी के लकीर को छोटा कर सकते हैं बड़ी लकीर खींच के। ये भी कैसे, ये भी आपकी ड्यूटी है, ठीक है। तो लॉजिक इज दैट के उस संस्कृत के टीचर बोलते कि मैं वर्कशॉप तो आपको दे दूंगा बच्चों से, पर ये बताओ शशांक और पृथ्वी का बीच का दूरी कितना है, चंद्रमा और धरती। वो शशांक बोले मैं फंस गया, अब ये तो नहीं याद। लेकिन उनके पास कोई पेरेंट्स आ गया शिकायत लेके, तो गूगल भैया जिंदाबाद, मैंने इसे चेक किया। मैं कहा सर 69 ऐसे ऐसे करके कैलकुलेशन किलोमीटर, बड़ा आपका ज्ञान बड़ा अच्छा है, ये हनुमान चालीस में भी है। मैं कहा यस सर, वो सूरज और धरती के बीच की। हाँ, कहते यस। कहते कोई मंत्र सुना दो। मैं कहा सर वो भी सुना देता हूँ। कहते चलो मैं आपको वर्कशॉप देता हूँ। तो लॉजिक क्या है, हमें अपने आप को हर सिस्टम में कंडीशन करना है। टीचर से ऊपर कोई सुपरस्टार नहीं होता जी। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी भी सुनने में आया, पहले मैथमेटिक्स के बड़े अच्छे टीचर रहे हैं और मैथ्स के काफ़ी इंटेलिजेंट है, सुनने में आया क्या, सही है ना? CBSE मैथ्स में टॉप किया हुआ है, जो मुझे सुनने में आया। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, राइट। तो एक भयमुक्त मैथमेटिक्स, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद मैं रिसोर्स पर्सन हूँ, तो मैं ही सोर्स हूँ बोलने का। इधर आओ, ब्रेक अनाउंस करो चाय की। सुने ही नहीं इन्होंने। ओके, थैंक यू। इसको बंद कर दो।